और आपको सीधा लेकर चलते हैं बरेली और सुनवाते हैं कि वहां की जनता चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचती है और वहां की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं। इस वक्त जनता टीवी की टीम पहुंची है बरेली के बहेड़ी नगर पालिका में, जहां पर लोगों से जानेगी कि यहां का क्या माहौल है, किस तरह वोटिंग होगी और किसके माहौल में वोटिंग होगी। यहाँ पर करीब 60,000 वोटर है और यहाँ पर जो प्रत्याशी की बात करें तो समाजवादी के समर्थित प्रत्याशी हैं उजमा रशीद। बहेड़ी के क्या मुद्दे हैं? देखिए, जनता का जो मुद्दा है वो तो हमेशा हर चुनाव में हर नेता से यही रहता है कि विकास चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। और जो बहेड़ी की समस्या है, जो चूँकि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है तो लोकल जिस स्तर पे चेयरमैन काम करा सकता है तो उसमें हम तो यही चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने वाला चेयरमैन आना चाहिए। बहेड़ी में अब तक कितना विकास हुआ है इसके बारे में? देखिए, आप लोग प्रेस से हैं, दिन भर जनता के मुद्दे उठाने के लिए, जनता की समस्याओं के लिए आप सड़क पर रहते हैं, तो विकास जितना भी हुआ है सब आपके सामने है। विकास का जो यहाँ का सिस्टम है कुल मिलाकर तो बहुत धीमा है, ऐसा तो नहीं है जिसे सेटिस्फेक्शन वाला कहा जाए, बहुत धीमे स्तर पर हुआ, पिछले सभी ने लगभग इसी तरह से किया है। आपका नाम? आप ये बताइए कि बहेड़ी को क्या चीज़ की ज़रूरत है? बहेड़ी में देखिए, लाइट व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, और जो शहर में रोड वोड हैं या जितनी भी ये सफाई व्यवस्था है ये बेहतर होनी चाहिए। अब आने वाले चेयरमैन इसमें क्या सुधार करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन आएगा चेयरमैन, जो व्यापारी हित की बात करें, हमारे लिए तो बता रहे। हमारे साथ और कुछ भी लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? अलीम पप्पू, व्यापार मंडल से ताल्लुक है मेरा। बताएं, जो माहौल चल रहा है चेयरमैनी का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ बहेड़ी में सिंबल अलर्ट हो गए हैं और आज से यहाँ चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है कैंडिडेटों की वो शुरू हो गई है। चूँकि बहेड़ी में बहुत लंबे वक्त से चुनाव की प्रक्रिया लोग चल रही है, लेकिन चूँकि चुनाव हटने से लोग ज़्यादा आ नहीं पाए, अब चूँकि ये माहौल पूरी तरीके से चुनाव का बन चुका है, लिहाजा जहाँ तक विकास के मुद्दों की बात है, कुछ और चीज़ों की बात है। यहाँ पर एक शुगर फैक्ट्री हुआ करती है, अक्सर जब कभी भी वहाँ पर गन्ने पिराई का काम शुरू होता है तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि वहाँ की राख जो है वो बहेड़ी के तमाम घरों में फैल जाती है। और आज से नहीं है, जब से नगर पालिका चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, हमेशा ऐसा होता आया है। इस राख से बहुत से लोगों को आज तक नुकसान हुआ है, आँखों में बहुत से लोगों की आंखें भी ख़राब हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये मांग है, जो भी चेयरमैन अब आने वाले वक्त में आएंगे, हमारी पूरी तरीके से मांग है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो जनता के नुकसान पहुंचाएगी यकीनी तौर पर उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ बहेड़ी की केसर शुगर फैक्ट्री में हुई है, जैसा कि मुझे पता लगा है कि केसर फैक्ट्री का जो गंदा पानी था वो गंदा पानी पहले नदियों के थ्रू निकल जाता था, लेकिन अब उन्होंने एक होल पास किया है जिसमें वो पानी पूरी तरीके से बैठ जाता है। और मुझे लगता है जो हमारा नगर पालिका का वाटर है, सप्लाई लेवल जो है, अच्छे पानी में वो पानी मिलता है, जिससे आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। बताइए, अब तक कितना विकास हुआ जो मौजूदा चेयरमैन ने कराया? मौजूदा चेयरमैन ने जो विकास तो बहुत ही कराया, ऐसा नहीं है। विकास के लिए यहाँ पर डिवाइडर बनवाए, यहाँ ये नूरी नगर लाइन पर यहाँ पे कभी पाइपलाइन नहीं थी पानी की, वहाँ पे दो वाटर पंप लगाए और वहाँ पे छतरी चौराहे पे रोड बनवाया। मतलब एक चीज़, एक ज़रूरत यहाँ पे ज़रूरी थी कि एक स्टेडियम की जरूरत था, यहाँ पे छोटा सा एक स्टेडियम बनाया जाए बच्चों को खेलने के लिए, और एक पार्क की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये दोनों चीज़ें जल्द से जल्द अगर कोई भी चेयरमैन बने वो इस चीज़ को ज़रूर बनवाए। हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइए। व्यापार मंडल से जी, यहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जाम से निजात मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। तो और इस वक्त तो इतनी बड़ी समस्या है जाम की, निकलना मुश्किल है। और कई समस्याएं जैसे स्लाइडर हाउस है और चीज़ें हैं। आपका नाम?
मेरा नाम परवेश है। क्या समस्या है, कैसा विकास होना चाहिए बहेड़ी में? देखिए, विकास का तो ऐसा मामला है कि योगी मोदी सरकार ने कितना विकास कराया है तो सारी जनता जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान भी जानता है। हम सिर्फ चेयरमैनी की बात कर रहे हैं। चेयरमैनी का तो ऐसा मामला है कि चेयरमैन जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन हैं, मैं मानता हूँ कि 2-2.5 साल कोरोना के निकलने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके का विकास कराया है वो काबिल तारीफ है और अच्छा विकास कराया है और गरीबों की मजलूमों की जो आवाज़ उठाते रहे, उनकी मदद करते रहे, इससे बड़े रिकॉर्ड की सोचते हैं। स्टेडियम तो भाई साहब नहीं बना, स्टेडियम ये चेयरमैन के अंतर्गत नहीं आता है। छोटा स्टेडियम बना देते, बच्चों को खेलने का मैदान कर देते। देखिए, मतलब मैदान वाली बात तो ऐसी बात है कि चेयरमैन कोई भी हो और उसका काम प्रयास करने का होता है, लेकिन जिसके 2-2.5 साल कोरोना में निकल जाएँ तो वो स्टेडियम बनवाए या नगर का विकास कराए क्या करा सकते। ठीक है, और कुछ लोग जान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, आप बताइए। बहेड़ी में कितना और विकास होना चाहिए, क्या छूट है? बहेड़ी में अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ एक, और जहाँ तक आप स्टूडेंटों से पूछोगे तो आप मुझे बताओ, अगर कोरोना में जैसे भाई हमारे कह रहे थे 2.5 साल निकल गए, बहुत बढ़िया बात है कि पूरे ही भारत में ऐसा था, कोरोना था और सभी सरकारें थीं, नगर पालिका भी वही थी, तो बाकी के जो बचे हुए 2.5 साल थे वो बहुत होते हैं मैं मानता हूँ, तो उन 2.5 सालों में बहुत विकास हो सकता था। अब जो स्टेडियम है वो ज़्यादा लागत का नहीं है और इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है, छोटे सा ही स्टेडियम बन जाए अगर थोड़ी दिवाले करके, वो भी एक स्टेडियम लोकल का हो जाता है। और आप जो तो आदर्श नगर पालिका है बहेड़ी की, आप चीजगढ़ चले जाओ, छोटी सी नगर पालिका है, तो वहाँ एक हॉल बना रखा है वहाँ के चेयरमैन ने, वो शायद थोड़ी सी रसीद पे गरीबों का रसीद कटती है, वो फ्री है वहाँ का। और आप रिशा चले जाओ, वो हमारी तो आदर्श नगर पालिका है, ये छोटी छोटी नगर पालिका जो हैं उनमें विकास देखो, आप रिछा में घुसोगे एंट्री में तो गेट बना हुआ मिलेगा, यहाँ जो गेटों के बाधे हुए थे मैं जानता हूँ शायद वो भी पूरे नहीं हुए। जो और साथ में है उनसे भी जानेंगे, क्या है आप बताइए, क्या होना चाहिए बहेड़ी? ऐसे तो यहाँ पर अभी काफ़ी सुविधाओं का अभाव है, जैसे आप छोटी छोटी टाउन एरियाओं में चले जाइए, वहाँ पर स्वागत द्वार बने हुए होते हैं, रोडों पर बहुत सौंदर्यीकरण कर हुआ होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इतना बड़ा शहर, इतना पुराना शहर और ये एक मंडी मतलब जो है शहर है हमारा, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं बन, मतलब उस तरीके से नहीं हो पाया, तो जो भी चेयरमैन बने वो इस चीज़ पे ध्यान दे, यहाँ के रोड अच्छे करे, यहाँ पर जो है बहेड़ी को मतलब जो है पहचान मिले इस तरीके से, यहाँ पे गेट वगैरह बनाए जाएँ, मैरिज हॉल शादी हॉल वगैरह जो है बने, जिससे कि गरीब लोगों की शादी हो जाए और पैसे भी मतलब जो उनके ऊपर ज़्यादा खर्च ना करना पड़ेगा। और हम जो है किसी ऐसे बंदे को चाहते हैं कि चेयरमैन ने जो व्यापार हित पे ध्यान दे, व्यापारियों का साथ दे, छोटी छोटी बातों पर मतलब जो व्यापारी बहुत परेशानी उठाना पड़ती है, जो भी चेयरमैन आए वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदे करें कि हम व्यापारियों के लिए कुछ काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि बहेड़ी में पानी भर जाता है, तो अगर फैक्ट्री से राख उड़ती है तो लोगों घरों में जाती है और कपड़े खराब हो जाते हैं, तो 11 तारीख को वोटिंग होगी और 13 तारीख को यहाँ पर निर्णय आएंगे। अब देखना ये होगा कि कौन प्रत्याशी बहेड़ी की नगर पालिका पर कब्जा कर सकता है। कैमरामैन निम के साथ फजलुर रहमान, जनता टीवी, बरेली।